संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद विवादित टिप्पणी की है। आपको बताते चले, उद्धव गुट के संजय राउत की ओर से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब को गाड़कर उसकी कब्र खोद दी, तो नरेंद्र मोदी तू कौन है। फिर वो बताते हैं, आगे वो लिखते हैं कि गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ, इसीलिए वो हमारे साथ औरंगजेब की तरह बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, औरंगजेब को हमने इस महाराष्ट्र की धरती में गाड़ा है। 27 साल तक औरंगजेब महाराष्ट्र को जीतने के लिए महाराष्ट्र की धरती पर लड़ रहा था। और भी तूतड़ा की भाषा करते हुए क्या बोला है संजय राउत ने। आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरात मध्ये झाला आहे, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे, आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरात मध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गाडलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है, तू कोण है। जिस तरह का बयान संजय राउत की ओर से दिया गया है, यकीनन बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में बनाएगी।